नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये सारे ऑयल केन प्लांटर्स मैं दिखा रही हूँ आपको। अभी दो चार पाँच, कम से कम पाँच छः नीचे और पड़े हैं, वो बालकनी में हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल केन प्लांटर्स के अंदर खूब अच्छे प्लांट उगते हैं, आप देख रहे हैं। ये देखिए अभी तीन, मतलब नीचे और हैं, उनको भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये आप देख रहे हैं, देखो फूल इनमें काफ़ी अच्छे आते हैं। और ये देखिए सनफ्लावर भी इसके अंदर आ गया है। और ये डाइफनविगिया को मुझे नीचे ले जाना है क्योंकि धूप में ये चलता नहीं है, पर मैं दिखाने के लिए लाई थी एक बस वो नीचे से। और देखिए पिटूनियाज कितने अच्छे उग रहे हैं इनके अंदर, देख सकते हैं आप। ये सारे ही ऑयल केन प्लांटर्स हैं, इनको आप आराम से, अगर आपके पास नहीं है तो कहीं जो कबाड़ी वाला आता है वो 5 रुपए में दे देता है, सब लोग इनको बेच देते हैं, रखते नहीं हैं अपने पास। तो अगर आपके पास है तो फिर उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने तो सारे इस तरह से यूज़ कर लिए हैं, और मेरे को उस आस पड़ोस वाले भी दे देते हैं कि ये लोग बनाते हैं तो लाओ इनको दे देते हैं। तो इनको किस तरह से मैंने बनाया था ये मैं आपको, मेरा एक और वीडियो है जो काफ़ी 50,000 लोग करीब उसे देख चुके हैं, तो उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी, वरना आप बनाना आप उसको सीख सकते हो आराम से। देखिए कितने सुंदर, इसमें पूरा फूल खिल गए हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये पूरा भर चुका है, आप देख सकते हैं फूलों से भर जाता है खूब अच्छी तरह से। आपको इसके अंदर बस होल बहुत सारे करने होते हैं, करीब 8-10 होल कर दीजिए, जिससे मिट्टी पानी जो है इसमें रुक रुक के नहीं, जो पानी रुकता है उससे प्रॉब्लम हो जाती है बस। तो यही आपको करना है। ये मैं दिखाने वाली थी आपको एक साथ, मैंने कहा कि इस तरह से आप अपने वेस्ट को यूज़ करके। अब ये देखिए ये वाला प्लांटर भी मैंने ऑयल केन से ही बनाया है, और उसमें ये कलर भी बहुत ही अच्छे कलर यूज़ हुए हैं। तो ये कलर जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं अभी अपने इसी वीडियो में आगे बताऊँगी कि कौन से कलर हम यूज़ करते हैं। और ये थोड़ा हट टाइप बनाया है, जिसकी जैसे आपकी बोतल की जैसी शेप हो उसके अकॉर्डिंग आप उसे बना सकते हो। तो इसमें मैंने पेंट किया है ये घर जैसे, इसको थोड़ा लुक दिया है। इसमें सामने इस तरह की जगह थी सीधा, तो हमने इसे एक घर की तरह लुक दे दिया। देखिए यहाँ पे ये दरवाज़ा लगाया है, और ये ऊपर एक छोटी सी गोल खिड़की बनाई है, काफ़ी सुंदर लग रहा है इसमें भी ये। तो मैं आपको बताती हूँ ये वाले पेंट मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए ये टायर्स जो हैं इनमें कौन से कलर यूज़ किए हैं मैंने, तो आज आपको ये कलर दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए कितने शाइन कर रहा है। ये बीच वाला जो है इसमें ऑयल पेंट लिया है, और ये एशियन पेंट के 1-1 लीटर के डिब्बे हैं, जो कि अपेक्स वेदरकोट यूज़ किया है, देख सकते हैं आप इनको अच्छी तरह से। और करीब ये 300-400 रुपये तक आते हैं अगर दूसरा कलर हो। वाइट तो शायद सस्ता आ जाता है, 280 कुछ। अभी इनकी रेट थोड़ी बढ़ गई होगी, हो सकता है, आप देख सकते हैं, चेक कर लेंगे। लेकिन ये बहुत दिन चलते हैं, इनमें ये वाटर बेस्ड होते हैं और प्लास्टिक कलर होते हैं, और वाटर प्रूफ भी होते हैं ये, जैसे आप बारिश में आराम से चलते हैं और खूब दिन तक चलते हैं। चाहे आप इसे कांच पर भी कर सकते हो और प्लास्टिक पे भी कर सकते हो, और नॉर्मल गमले, सीमेंट, मिट्टी, हर किसी चीज़ पे आप इसे कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है इसका रिजल्ट, और आपके जो फैब्रिक कलर आते हैं उनसे ये बहुत सस्ता पड़ता है। एक साथ ले आओ, और इसको जब यूज़ नहीं लेते हैं उस टाइम बंद करके रख दो, और उसमें थोड़ा पानी डाल के रख दें तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। ये देखिए आप इनको, आपको खोल के दिखा देते हैं हम किस तरह से होते हैं ये। इसको थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ता है, ये शायद ब्लू कलर है। तो इसमें मैं तो 3-4 कलर सारे ले आती हूँ और रख देती हूँ, और दो तीन तरह की ब्रश भी ले आते हैं, जिससे कि जो जैसा यूज़ हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम में ले लेते हैं। तो
अच्छे रहते हैं ये वाले कलर बहुत ही, और शाइन भी करते हैं। ये देखिए ब्लू कलर है, ये दिख रहा है कटर में लगा हुआ है, देखिए आप ब्लू, ये ब्लू कलर है। और इसकी आप डबल कोट भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल कोट से ही काम चल जाता है। अगर आपका बहुत ही ट्रांसपेरेंट चीज़ है तब की बात अलग है, अदरवाइज सिंगल कोट ही बहुत अच्छी रहती है इसको। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी मिला के करेंगे तो आपको डबल कोट करना पड़ेगा, अदरवाइज सिंगल कोट से ही काम चल जाता है। ये देखिए टायर पे हमने कलर किया है किस तरह से, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये मैंने अपना पुराना दूसरा वीडियो जिससे उसके साथ में मिला के बनाया है, ये पहले वाला वीडियो था। और ये देखिए ये कलर हो चुका है इसमें ब्लू कलर होने के बाद। इसमें कुछ नहीं है, बस नॉर्मल आपकी जो स्पेस अगर बीच में है तो ब्रश से बस उसमें कलर करते जाओ। उसके बाद अगर आप चाहो तो इनमें डॉट्स भी बना सकते हो। और टायर के अंदर देखिए इस तरह से आप ये कोई भी थैली डाल सकते हो, जैसे ये चावल के जो कट्टे वगैरह होते हैं, चावल की आती हैं जो प्लास्टिक, बहुत ही अच्छी आती है, उनको डाल दो। और नीचे आप चाहे इसमें कोई पत्थर रख सकते हो और इस तरह से कोई भी प्लांट लगा सकते हो आप मिट्टी डाल के। इसके अंदर मिट्टी डालना है, पहले तो थैली डाल दो और उसके अंदर मिट्टी को पहले अंदर की तरफ सेट करेंगे, जहाँ टायर के अंदर जो जगह है वहाँ सेट करते जाएंगे, और फिर उससे वो एकदम टाइट हो जाता है। बस इस तरह से हमने ये देखिए पेंट कर दिए हैं, सारे इस तरह के पेंट हुए पड़े हैं। आप देख सकते हैं इनमें जो चाहो वैसा प्लांट आप लगा सकते हो।